सब तो पहला तो तमाम बठिंडा दी प्रेस कोर थोड़ा धन्नवाद कि तुसी जो अज बठिंडे च एक बड़ी शानदार और बड़ी इतिहासिक और मैं समझदा कि 53 साल बाद कांग्रेस पार्टी बठिंडा दी म्युनिसिपल कमेटी दे विच एक किस्म दी बहुमत चाहिए, कंप्लीट मेजोरिटी, और एक अपने पंजाब दे बड़े वड्डे फकीर होए ने शेख फरीद साहब पाक पतन वाले शकरगंज, और आप फरमाते हैं कि जे मैं वेखा अपने वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा उसकी रहमत वल्ले तो फिर बल्ले 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 बल्ले। सो सब तो पहला तो धन्यवाद है बठिंडा दे तमाम शहरियों का जिन्हां ने ये जिहड़ा इलैक्शन है, मैं समझदा इलैक्शन च कांग्रेस नालों पहलां एक जमहूरीयत की जित हुई है, लोक राज की जित हुई है बठिंडे दे विच। शायद एक दो जिहड़े कोई परसनल कोई लोग कोई छोटे मोटे इहो जिहे कोई वाकियात तो हो गए सी, बट बठिंडे दे विच पुरअमन चोण हुई, किसी के कागज़ रद्द नहीं होए, और जिवें किसे लोग किसी मेले च तुरे फिरते हैं एक बड़ी एक जिवें एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जिन्हों कहते हैं। सो सब तो पहला तो मैं बठिंडे के शहरियों की नूं बधाई दिना इस गल की। दूसरा ये भी है कि 43 सीटा 50 चो 43 कांग्रेस, तो यदा मतलब ये भी है कि बठिंडा के लोग अज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ते कांग्रेस पार्टी ते एतमाद करते हैं, और ये जिहड़ा भरोसा है जनता का ये साढ़े लिए एक अजीम जिम्मेवारी है, और ये मुकद्दस इमानत है बठिंडा के लोगों की जिहड़ी कि 5 साल की मुद्दत वास्ते इन्होंने कांग्रेस पार्टी के हथ दिती है। असी इस जिम्मेवारी बड़ी निम्रता नाल, बड़ी हलीमी नाल, बड़ी खलूस दिली नाल असी साडा सिर चुकदा है वोटरां दे जो वोट जोर ते पुर खलूस कोशिश होएगी कि जो जिस आसां ते उम्मीदां नाल बठिंडे दी कारपोरेशन बठिंडा दे लोकां ने कांग्रेस पार्टी दी हिमायत कीती है, असी उहनां दे जो जो आसां ने जो उहनां दीआं तवक्कुआत है असी उहनां ते पूरे उतर सकीए। और मैं बठिंडा दे शहरियां नूं इह वी दसदा जावां कि जिन्नी वड्डी जित हुंदी है उन्नी वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है, और असी साडी साडी कोशिश होएगी कि अगले जिहड़े, और इहदे नाल इक गल तां होगी कि बठिंडे दे जिहड़े मामलात है वह हुण सुथरे ढंग नाल चल सकणगे। अज तो पहलां क्योंकि कारपोरेशन हुंदी नहीं सी, और जिहड़ियां कोई पंजाब सरकार दीआं या खास करके जिहड़ियां फाइनैंस मिनिस्टर दीआं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स वगैरह हुंदियां सी उहदे विच अड़चन आउंदी सी। सो अज तो बाद हुण कोई वजह नहीं रही कि बठिंडे दी दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की ना होवे। सो इस मौके ते मैं कांग्रेस पार्टी दे प्रधान सुनील जाखड़ साहब, सब तो पहला तो उन्हां नूं वधाई दिंदा, कैप्टन साहब जिन्हां दी क्यादत दे थल्ले असीं 4 साल काम कीता है, और अगले 1 साल जिहड़ा जिहड़ी मुद्दत विधानसभा दी भी बची है उहदे विच वी असीं, और मैं क्योंकि मैं अज बठिंडे च मसरूफ सी, मैनूं पंजाब दे नतीजे तां नहीं पता, पर मैनूं इह पता चल्लिया कि तकरीबन पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी दी जिहड़ी है स्वीप होई है। सो और जिस तरह मैं कहा कि असी इन्ने काबिल नहीं सी जिन्ना लोगों ने साडे ते भरोसा कर लिया, और साडी हुण इह कोशिश होएगी कि असी इस भरोसे दे काबिल बन सकीए। थैंक यू जी। और दुख की गल ये है कि कई सीटा जिहड़ियां असी हारे हैं, बेटा हरमन बड़ा नौजवान वकील सी, नवा चेहरा सी, ये 13 वोटा ते हार गया। एक टैल सिंह संधू साहब वार्ड नंबर 1 सीगे, 24 वोटा ते हार गए। 4-5 सीटा जिहड़ियां शर्मा अजय शर्मा वह 50 वोटा ते हार गया, और ये जिहड़े जिन्हां ने कांग्रेस पार्टी दे साढ़े ही जिहड़े बंदे सी उन्हां ने, और ये वैसे तो इलेक्शन का सिलसिला भी यही हुंदा, बट साडी कोशिश होएगी कि अगे तो असी वो जिहड़े कांग्रेसी वर्कर है या कांग्रेसी उम्मीदवार है उन्हां नूं असी किसे ढंग नाल पहला तो मनाइए। और तुसी यकीन मन्नो कि असी जदों इस घोख कीती बई की वजह है कि कांग्रेस पार्टी नाल बठिंडे शहर च लोग मुहब्बत करदे,
कांग्रेस पार्टी का एम एल ए 20-30 हज़ार वोट से जितता है और कोई वजह नहीं कि कमेटी जिहड़ी है कमेटी कांग्रेस की ना बने और 53 साल तो ना बने। सो सब तो पहला तो असी एक बड़ा प्रोफेसनल कंपनी तो सर्वे कराया पार्टी ने और पार्टी च जिहड़े प्रोबेबल उम्मीदवार सीगे उन्होंने असी ना उन्होंने दते वह जिहड़ी सर्वे टीम आई वह 20-22 दिन इत्थे उत्थे इत्थे ला के गई। उन्होंने सानू सब तो पहला तो यह दस्या कि कैंडीडेट जिहड़े है विनिंग कैंडीडेट कौन होणगे। कोई ये नहीं कि कोई मेरी कोई चॉइस सी और मैं जिहड़ी ये सारी रिपोर्ट सी सर्वे की मैं कांग्रेस की हाई कमांड सरदार लाल सिंह जी नाल सुनील जाखड़ साहब नाल भी शेयर की कि जी सर्वे की जिहड़ी रिपोर्ट है इहदे च कोई असी भाईचारा या कोई अपनी पसंद नहीं अगे लेके आए बट जो मैरिट ते कैंडीडेट बनते सी और हरमन भी जिहड़ा सी उस मैरिट च ही आ रहा सी कि जी नौजवान है ये वकालत करता है और वो बड़ा पिछड़िया हुआ वार्ड है और इस उम्र के बच्चे दिलचस्पी नाल अपनी कांग्रेस पार्टी नूं अगे ला सकदे। सब ये मेरे वस नहीं है इन द सेंस कि इहदी हुण जिहड़ी रिजर्वेशन है एक किस किस्म ना होनी है क्योंकि जिहड़ियां अर्बन लोकल बॉडीज़ है और जे तुसीं कांग्रेस का मैनीफेस्टो पढ़िया होवे तां 50% जिहड़ियां सीट्स है वह फीमेल और 50 मेल तो उहदे च हुण बठिंडे का की नंबर आंदा रोटेशन च ये मैं हुण कह नहीं सकदा इहदी नोटिफिकेशन जिहड़ी है होएगी लगता है हफ्ते दे विच विच हो जानी चाहिए है कि तमाम पंचायत ब्लॉक समितियां जिला परिषद और जिहड़ियां अर्बन लोकल बॉडीज 50% सीट्स जिहड़ियां ये लेडीज़ वास्ते साडियां धीआं वास्ते भैणां वास्ते असीं रिजर्व कीतियां ये कदी पंजाब च नहीं होया सी। और अज तुहानूं नाल नाल ये भी दसदा जावां कि जिन्नियां भी सरकारी नौकरियां पंजाब च है ये 33% कैबिनेट का और कांग्रेस पार्टी का फैसला कि 33% सारी रिजर्वेशन ये लड़कियों वास्ते है। थोनों अज मेरी गल तो हासी आऊगी पर तुसी देखोगे कि अज तो 20 साल बाद पंजाब का जिहड़ा समाज है साढ़े इस फैसले नाल बदल जाएगा। सर, 22 दी इलैक्शन नूं देखदे हुए इन्हां इलैक्शन च अकाली दल ते आप नूं किथे देखदे? सब दो स्टेटमेंट दे सकदा पर मेरे बाप होनी सरदार गुरदास सिंह मैनू बादल साहब एक क्या करते सी कि हर इलेक्शन जिहड़ा है वह वखरा हुंदा जिवें आपां खेती करदे हां तां खेती च यह नहीं हुंदा कि मेरी इस वार 50 मण जे कणक झड़ी है तो अगले वारी भी 50 झड़ूगी। हर वारी नवां बी पाउणा पैंदा हर वारी उहनूं अड उहदी खेती की सेवा उहनूं पाणी उहनूं यू नो खाद वगैरह पाउणी पैंदी है। बट यह जरूर है कि हुण इलेक्शन नूं 8 महीने बकाया रह गए फरवरी का महीना दिसंबर च कोड लग जाना और कांग्रेस की परसैप्शन जिहड़ी है इस वेले वह बहुत अच्छी है और अकाली दल ते आप जिहड़ी है इस वेले लोगों के दिलों घर नहीं कर पा रही ये बारे तो कोई ज्योतिषी दस सकता बट मेरा कहने का मतलब है भी अज कांग्रेस ते लोग इतबार करते हैं कैप्टन साहब नूं अजे भी लोग प्यार करते हैं वरना इस किस्म के नतीजे जिहड़े ये आ नहीं सकते। बल साहब जिहड़े ते विरोध होया बालड़ा जो उत्थे कोई कार्रवाई करोगे लोगों नूं विश्वास हट गया फिर सत सीटां किवें लेके जी सब सत सीटां मैं दस्या कि उन्हां चों 4-5 सीटां तां कोई 20-20 ते 13 वोटां ते कोई होर मतलब इन्हां ते लै गए। मैं समझदा कि दरअसल अकाली दल 2 सीटां ते जिहड़ा जित्तिया दोनों दे कैंडीडेट इक तां मैनूं लगदा 8 नंबर सी कि सत्त अठ और कई बार होंगे की है कि जो लोकल इलेक्शन होंगे है लोग कई बार चेहरे देखते हैं कई बार अखलाक रवादारी यू नो इस किस्म के जोड़े होंगे बट बहरहाल ओवरऑल जो मैनू संतुष्टि है और मैं ये तुसी किसी सियासी शोखाबाजी च ना ये समझा जे बट जो पूरे इलेक्शन के किसी बंदे ने कोई और किसी वार्ड के कोई वड्डा अलांभा नहीं दिता नहीं तो नॉर्मली अलांभे दिंदे मेरा आ नहीं होया वो नहीं होया।
ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਸ਼ ਅਪਯਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਰੂਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਕੱਬਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਔਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟ ਲਾਂ। ਔਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ DC, SSP, Class 4, ਮਤਲਬ Class 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੋਨੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਬੁਲਬੁਲ ਨੇ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਸੇ ਆਸ਼ੀਆਂ ਉਠਾ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਸਕੀ ਬਲਾ ਸੇ ਬੂਮ ਰਹੇ ਯਾ ਹੁਮਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ DC SSP ਸੈਸ਼ਨ ਜਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ।